वास्ते एजेंटर का बाटा सुन के दुबई को चले गई थी मैं, दुबई में काम है बोल के। दुबई से उन्हों क्या करे मस्कत को भिजा दिए, मैं मस्कत में भिजा दिए तो बहुत काम ले रहे थे मेरे से, उन्हों काम करना है बोल के बोले। नहीं मैं इतना काम नहीं कर सकती, मैं गाँव इंडिया चले जाती बोले तो 2 लाख रुपए भंग के चले जाओ, नहीं तो काम करना है तो करो, तबीयत भी खराब हो आपकी कुछ भी हो तुम्हारे लास्ट वीक भिजा देते, मगर तुम्हारे नहीं भिजाते पैसे दिए नहीं सब अगर बोल के बोले उन्हों। अब जो मेरा बेटा है जहीर, उन्होंने जाके अमजद उनके खान से जाके मिल के हमारे अम्मी इधर दुबई में फंस गए हैं, हमारे अम्मी को बचाओ बोल के उनका मदद लेके बच्चा हमारा मेरे को बचाया। और मैं शुक्र अदा करती हूँ अमजद उनका खान के, उनसे शुक्र अदा करती हूँ। और कुकड़पाली पोली टेस्ट बहुत बहुत परेशानी उठाई मैं वहाँ से, तबीयत खराब हुई तभी मैं काम करने लगी। कितने घंटे काम ले रहे थे आपसे? 24-24 घंटे ले रहे थे काम, उन्होंने बैठने भी नहीं दे रहे थे, सारा दिन करा रहे थे काम के वास्ते ही काम करना पड़ता, तुम्हारे काम ही करना पड़ता। बोले लाश भी नहीं भेजते तेरी? बोले हाँ लाश को भिजा दूंगी, तुम्हारा खत्म हो गया तो तुम्हारे लाश को भिजा दूंगी, कोई टेंशन नहीं है बोल के बोल रहे थे। कौन है वहाँ पर वो लेडी एजेंट, कौन थी जो आपको सता रही थी? सो घर वाले थे, एजेंट ने नहीं सता रही थी, वो मकानदार ने थी जो मेरे को खरीद के लेके गए थे ना। कितने में खरीदे आपको? उन्होंने 3 लाख दे दिए एजेंट को। हाँ एजेंट को 3 लाख दे दिए, कहते वो पैसे रिटर्न करे तक तेरे को नहीं भिजाती, इधर ही रख लेती, मेरे को तुम्हारे एजेंट से बात करके हमारे पैसे हमारे वापस कर, जब चले जा सकती इंडिया को बोल। देखिए मेरे साथ जो है शेख फातिमा बेगम हैं, एक्चुअली ये लोग जो है अनंतापुर के रहने वाले हैं, कई दिन से यहाँ हैदराबाद में रहते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं ये लोग। इनको जो है इनके कुछ घर के हालात खराब थे तो बेचारे जो है यहाँ पर नौकरियाँ ढूंढ रहे थे, तो इनसे कोई एजेंट आके ये बोले कि हम आपको जो है दुबई में काम दिलाते 3 महीने के वास्ते, कुछ शादी का घर है काम को जाओ आप, और आपको जो है महीने को 40,000 रुपए दिलाते बोल के इनको फुसला के यहाँ से दुबई लेकर गए। दुबई में वहां जाने के बाद में इनकी बगैर मर्जी के खिलाफ में जो है इनको मस्कत भिजा दिए, इनको मस्कत को भेजे ओमान में। वहां पर जाने के बाद में इनको जो है 24 घंटे में 20 घंटे इनसे काम लिया जा रहा था। बहुत बीमार पड़ गए बेचारे वहां जाने के बाद में, शुगर बीपी थायराइड पेशेंट है, वहां जाके इतने बीमार पड़ गए कि यानी जमीन से भी उठ नहीं सक रहे थे, लेकिन फिर भी मार मार के इनसे काम ले रहे थे, गालियां दे रहे थे इनको, बहुत परेशान थे। इनका बच्चा जो है मुसलसिल मेरे पास फिर रहा था, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर को मैं कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद में इंडियन एम्बेसी ओमान इनके वहाँ के कफिल से भी बात किए, और यहाँ पर जो है मुकामी एसआर नगर पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दिया गया था, और एजेंट्स के खिलाफ में एक एफआईआर भी इशू हुआ, एजेंट्स को भी कल गिरफ्तार करे थे। तो इसका मकसद ये है कि मुसलसिल कई दिन से हम कोशिश करने के बावजूद फिर भी ये एजेंट्स पे जो है हैदराबाद में पुलिस की तरफ से कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, इनकी कोई रोकथाम नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि इतने वाकयात पेश आ रहे हैं पिछले 5-6 साल से, तो मुसलसिल कई खवातीन जाके फंस गए, मर जा रहे हैं, उनके लाश आ रही यहाँ पर, उनके साथ बदतमीजी हो रहा, सेक्सुअल असाल्ट हो रहा उनके साथ, कई वाकयात हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ से जाना नहीं रुक रहा। ये जो खवातीन में जो लालच है और जो गरीबी है, जो तालीम की कमी है, उसकी तरफ से ये हो रहा। मैं हुकूमत तेलंगाना से फिर से दोबारा गुजारिश करता हूँ, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर साइबराबाद पुलिस। खबर को पेश करता है अरफात हजुमरा टूर्स एंड ट्रेवल, पुरानी हवेली हैदराबाद, निजाम कैटरर्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर, कैटरिंग की दुनिया का वो नाम जो हर घर की खुशियों का एक